ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 13 मई। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के प्रश्न, और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके के 10 प्रश्नों से। दोस्तों आज के जो प्रश्न हैं स्टैटिक जीके के, ये समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे, तो देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और प्रश्न मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत टफ नहीं है। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों में से कम 6 प्रश्नों का जवाब तो अगर आप दे पाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी का लेवल काफ़ी अच्छा है। लेकिन 6 से अगर कम प्रश्नों के जवाब आप दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यानी कि स्टडी टाइम आपको बढ़ाना होगा। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क, ओशनिक समझ रहे हैं समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन होगा, देखिए जो आंसर आप लिखेंगे वो नीचे एक ही कमेंट बॉक्स में एक ही जगह पर लिखिएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला यानी कि बिगेस्ट रिफाइनरी ये कहाँ पर लगाई गई है, ये आपको बताना है। और निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। और किस जनपद में साक्षरता दर सबसे कम है। देखो 2011 का जो सेंसस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज भी, तो 2011 के अनुसार आपको बताना है कि साक्षरता दर सबसे कम किस में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर और उन्नाव। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और जीवाश्मी ईंधनों में यानी कि फॉसिल्स फ्यूल जो होते हैं उनके लिए एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, लाठी क्लब आपको बताना है कि इसको किसने स्थापित किया था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, ये कथन किसका है। और रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो ये हो गए 10 प्रश्न, अब आइए इनको आंसर करते हैं। तो भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है ये कच्छ में स्थित है, कच्छ। भारत में सबसे बड़ी जो बिगेस्ट रिफाइनरी है ये जामनगर में स्थित है। और गोंडवाना समूह का जो सेल समूह है रॉक सिस्टम्स, वहाँ से भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला मिलता है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना लागू की गई 2017 में। और निम्नलिखित में से किस जनपद में साक्षरता दर सबसे कम है, तो अगर ये विकल्प होंगे तो सही जवाब इसका श्रावस्ती होगा, ऑप्शन बी। वांगला उत्सव जो है यह मेघालय का एक उत्सव है, याद रखिएगा। और जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत होता है सन यानी कि सूर्य। लाठी क्लब की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ये कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब करेंगे रिविज़न कल के प्रश्नों का। तो हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग या संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक फंगस यह एक बहुत ही दुर्लभ रोग था लेकिन अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं, तो बहुत बहुत बच के रहने की आवश्यकता है, ब्लैक फंगस भी अपने पाँव पसार रहा है। कैस्पियन सागर के साथ कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं, कल मैंने आपको इसके बारे में सचित्र बताया था। ये 5 देश हैं, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 देश हैं। एक बात इसमें और याद रखना कि ये जो कैस्पियन सागर है चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सील मछली होती है ना, सील मछली, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सील मछलियाँ मृत पाई गई हैं, इसलिए ये जो सागर है ये चर्चा में आ गया है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का यह दूसरा समुद्री अभयारण्य है, ठीक है। और तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये जापान और आइसलैंड मिलकर कर रहे हैं। और एक बुक आ रही है एलिफेंट इन द बॉम्ब, तो ये जो किताब है ये शुरुआत की गई है
कल्की कोचलिन जो कि हीरोइन है इंडियन मूवीज की, उनके द्वारा, तो उनकी किताब है एलिफेंट इन द वॉर्म। और कक्षा 9, 10, 11 और 12 के सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्त फॉर लाइफ। इसमें वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं और 12th के बाद उनको जो है करियर गाइडेंस प्रदान करने के लिए यह ऐप डेवलप किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आयोजन होने वाला है ब्रिटेन में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 47वें G7 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक बात और याद रखना कि भारत G7 का जो है मेंबर नहीं है। तो ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को सम्मेलन में आमंत्रित किया था, लेकिन वर्तमान में भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। G7 देशों की यह बैठक 11 से 13 जून के बीच होनी है ब्रिटेन के कॉर्नवाल में, ये भी याद रखना। G7 के जो सदस्य देश हैं इसमें 6 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 6 देशों में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान और अमेरिका है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ये हैं G7। और G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। G7 का कोई मुख्यालय नहीं है और ना ही कोई रूल्स यानी कि संविधान है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत की जो वर्तमान स्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है उसको देखते हुए मूडीज इन्वेस्टर्स ने, यह अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा अमेरिका में। तो अब यहाँ पर जो 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ होगी उसका अनुमान 9.3% लगाया गया है। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। एक बात और याद रखना कि जापान की भी एक ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, नोमुरा ने भी वर्तमान में भारत में जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है उसकी वजह से पहले कहा था कि 12.6% 2021-22 में वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की जो GDP की ग्रोथ होगी वो होगी 12.6%, लेकिन अब कहा है कि ये 10.8% पर आ सकती है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो मूडीज़ है उसने कम बताया है, 9.3% बताया है, और नोमुरा ने थोड़ा सा अधिक 10.8% बताया है। अब वास्तविकता क्या होगी ये तो आपको सत्र के बाद ही पता चलेगा। गौरी अम्मा का 102 साल की अवस्था में निधन हो गया, उनका संबंध किस तरह से है और ये चर्चा में क्यों है ये आप जरूर जानते होंगे अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं। तो ये संबंधित हैं केरल से, ऑप्शन बी। और यह भी याद रखना कि सबसे पुरानी कम्युनिस्ट नेता रही हैं ये। 1957 में जब उस समय मुख्यमंत्री जो थे EMS नंबूदरीपाद, उनकी जो कम्युनिस्ट सरकार बनी थी तो उसमें सदस्य रही थी। केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ये बातें मैं आपको क्यों बताता हूँ ताकि आपको ये बातें बिल्कुल रट जाएं। और गौरी अम्मा जो कि अभी हाल ही में 102 साल की अवस्था में मरी हैं, ये कोरोना से पीड़ित थी, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये हाल ही में मनाया गया। तो ये भी हाल ही में मनाया गया था, कब? 11 मई को। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? इसके दो कारण हैं, दोनों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, यह दूसरा परमाणु परीक्षण था। जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था आप बता सकते हैं? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में और महीना मई का ही था, 18 मई था। दूसरी बार किया गया था कब? 1998 में, महीना मई का ही था, 11 मई का दिन था। तो भारत ने ये दो परमाणु परीक्षण किए और दोनों के दोनों जो परीक्षण हुए थे वो पोखरण राजस्थान में किए गए थे। ये भी याद रखना कि पोखरण राजस्थान में 1998 में 5 परीक्षण हुए थे,
तीन परीक्षण 11 मई को हुए थे, दो 13 मई को हुए थे। 11 मई को आयोजित परीक्षण में 5.3 रिक्टर पैमाने पर भूकंपी कंपन दर्ज किया गया था। तीन परमाणु बम विस्फोट किए गए थे। तभी से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो ये है वजह। तो दोस्तों दूसरी वजह यह भी है कि 11 मई 1998 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने त्रिशूल मिसाइल का आखिरी टेस्ट फायर को पूरा किया था और उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया था। और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई को हुआ था, मैंने आपको बताया। इसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन बुद्धा। और दोस्तों ऑपरेशन बुद्धा के समय परमाणु बम का जो वजन था वो 1400 किलोग्राम था। इसका व्यास 1.25 मीटर था। इसे बालू में छिपाकर भारतीय सेना ले आई थी। सुबह 8:05 पर इसे राजस्थान के पोखरण में विस्फोट किया गया था। कहा जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर इलाके में धरती हिल गई थी। परीक्षण के बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने यूनाइटेड नेशंस काउंसिल की मेंबर यानी सदस्यता न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया था। आपको बता दें कि इस साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की जो थीम है वो है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 1999 से मनाना शुरू किया गया है। अब बात यहाँ पर दिवस की हो रही है तो एक बार रिविजन कर लेते हैं मई महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस का। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, सिक्किम इंटरनेशनल फ्लावर डे, ये हुआ था 1 मई को। 2 मई को मनाया गया विश्व हास्य दिवस, मई के पहले रविवार को मनाया जाता है ये। तो इस बार जो मई का पहला रविवार था ये 2 मई को हुआ। 3 मई को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया कोल माइनर्स डे और विश्व अस्थमा दिवस। याद रखना कि विश्व अस्थमा दिवस ये मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है जो कि 2021 में 4 मई को पड़ा था। 5 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी हर वर्ष 5 मई को नहीं होता है, इसका मतलब यह कब मनाया जाएगा इसके लिए IAAF निर्णय लेता है। और 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 9 मई को था महाराणा प्रताप जयंती और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि मई माह से संबंधित हैं, तो इसका रिवीजन हमने कर लिया। अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये भारत की पहली महिला हैं जिनको शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये जरूर याद रखना आप। और अरब जगत का ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पहली बार किसी भारतीय महिला को दिया गया है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का जन्म हुआ था मुंबई में और वर्तमान में देखा जाए तो ये जो शिकागो विश्वविद्यालय है, शिकागो विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये अरबी की प्रोफेसर हैं। और ये भी याद रखना कि इनकी एक किताब आई थी 2019 में, किताब का नाम था अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, एक किताब आई है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा शेखर राठेर के द्वारा। एक्चुअली में इनका नाम शकूर राठेर है। क्या नाम है? शकूर राठेर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, शकूर राठेर ने लिखी है। और शकूर राठेर कौन है? ये PTI के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पत्रकार हैं। और ये जो किताब है ये स्पीकिंग टाइगर के द्वारा पब्लिश की गई है। इस किताब में आपको कश्मीर के बारे में एक डिटेल्ड जो एनालिसिस से देखने को मिलेगा, कश्मीर का वर्तमान क्या चल रहा है, इसका भूत क्या रहा और इसका अनिश्चित भविष्य क्या है, इस पर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो चुकी है? 72 मिलियन बढ़ चुकी है पिछले एक दशक में चीन की जनसंख्या, हालांकि भारत की जनसंख्या इससे बहुत अधिक गति से बढ़ रही है। तो फिलहाल जो अनुमान लगाया गया है वो ये है कि वर्तमान में जनसंख्या 1.4 अरब हो चुकी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 2019 में चीन की जनसंख्या थी 139.77 करोड़, अब यह हो गई 1.411 अरब। भारत की वर्तमान जनसंख्या जो है, करेंट जो सेंसस है 2019 के अनुसार, यह 136.64 करोड़ है। दोनों में जो डिफरेंस है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से पहले ही चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला
और सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बनने वाला है। चीन के विशेषज्ञों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने 2027 में भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने का अनुमान लगाया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि 2027 में भारत दुनिया का, यानी कि चीन को पीछे छोड़कर, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन चीन में लगातार कुछ वर्षों से जन्मदर में गिरावट आई है और इसकी वजह से भारत वर्ष 2023-24 तक ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र 2019 के अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ का इजाफा होगा और वो 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अनुमान के अनुसार भारत की आबादी 1.37 अरब हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी तब 1.43 अरब होगी। तो मतलब ये अनुमान है, लेकिन एक नया अनुमान ये भी है कि 2023-24 तक ही भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहा है, चीन को पीछे छोड़कर। तो दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 12 की। मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि भारत में पहली बार हींग कल्टीवेशन किस राज्य में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों जो आंसर आज यहाँ पर आपके सामने है वो है अवनीश कुमार जी का। इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, इन्होंने बताया है कि हींग का पहला वृक्षारोपण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में किया गया है। और ये भी आप जानते हैं कि भारत में हींग का कोई उत्पादन नहीं होता है। वर्तमान में 600 करोड़ रुपए की लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से भारत आती है। हींग एक बारहमासी पौधा है और 5 साल के बाद जड़ों से ओलियोगम राल का उत्पादन करता है और इससे ही हींग बनती है। इसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों की जो अनुपयोगी ढलान वाली भूमि है उसमें उगाया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसे लाहौल और स्पीति में इसे उगाने की कोशिश की जा रही है। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। बताइए कि यहाँ पर कौन सा एक पेयर है जो कि सुमिलित नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये प्रश्न, RO परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। गेहूँ फलेरिस माइनर, धान बथुआ, मटर प्याजी, बरसीम कासनी। तो इसमें से कौन सा ऐसा एक मतलब पेयर है जो कि सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में शीघ्र ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।